भाई ये तो पूरा खाली है यार। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो आज की सुबह लास्ट सुबह होगी जो अपनी ट्रेन में हो रही है, क्योंकि आज तो मैं घर पहुंच ही जाऊंगा ना। और ऊपर से आज सुबह से बारिश हो रही है, गीला हुआ पड़ा है। सो अभी आज ज़्यादा नीचे उतरने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं कुछ और नया दिखाता हूँ आपको। अच्छा तो भाई हमारे यादव जी तैयार है थाली ले। अरे आंसिक नोट ला रहे यादव जी। खाना ले ले आया हूँ, चार दिन तक भूखा हूँ इसलिए खाना ले ले आया हूँ। हालत कैसी हो गई है इतने दिन? ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सारी बात अरे रेडी हो गया पूरा मिली चाट लेके। अरे भूखे हैं आज हम लोग। और कितने 10 रुपये पार्सल चार्ज, और 3 थाली हो गई 327 रुपये की। फास्ट कैलकुलेशन विद भारती मैथमेटिक्स। हंसते हुए लेके जा, 5 दिन के भूखे हैं। हाँ ठीक है चले चले। 500 रुपये थाली है वो। अरे 500 रुपये वाली थाली नहीं खाते, सस्ते में कम में बंबा लगे किससे करो। चलो 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 भाई, अभी पेट भर के खाएंगे और सो जाएंगे, ठीक है। भाई तो आज फाइनली हमारे यादव जी के पास थाली है। सो भाई अभी खाना ना हो गया, अब पता नहीं हम लोग किस जंगल में पहुंचे। अभी देखो किस जंगल में पहुंच गए। अब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, सुबह से बारिश ही बारिश बारिश ही बारिश, और ट्रेन भी रफ्तार पकड़ रही है। अभी ट्रेन रुकी थी तो मैं भी आ गया बाहर, अभी ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है। पीछे का सकल जिसमें फायदा भी। भाई फाइनली अपने घर से सिर्फ 2 घंटे दूर हैं नागपुर पहुंचने का, और अभी डोंगरगढ़ में उतरे हैं और डोंगरगढ़ के नज़ारे देख रहे हैं। डोंगरगढ़ में पूरा कोहरा फैला हुआ है, पहाड़ी से मंदिर जो नज़र आता है वो मंदिर भी नज़र नहीं आ रहा है। यादव जी वो दिखा, वो एकदम हिल स्टेशन एकदम धुआं धुआं दिख रहा, वो देखो दिखा। हाँ बस वही है, और ये जो बोर्ड की आवाज़ आ रही है वो हमें डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। चलो वैसे भी अपन घर के पास है तो घर चले जाएंगे। कौन से स्टेशन में रुकने के लिए बेताब है भाई ये ट्रेन? दूर दूर तक के कोई स्टेशन नहीं है यहाँ पे, समझे? ट्रेन स्लो हो चुकी है। और अभी तक मेरा वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ है यार, आज समझे काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नेटवर्क कम ज़्यादा होते होते कभी बीच में चले जाता, पूरा तरीके से नेटवर्क चले आ रहा था, इस वजह से अपलोड ही नहीं हो रहा। रख दिया मैंने भी अभी फिलहाल, देखते हैं आगे कोई स्टेशन में मिल जाए अच्छी सी नेटवर्क, क्योंकि बीच में तो मिल रहा नहीं मिल रहा, ऐसे चल रहा। अगर स्टेशन में कहीं अच्छी जगह से मिल जाता है तो फिर जल्दी से अपलोड हो जाएगा। 1 MB 2 MB की स्पीड मिल गई तो भी बहुत है, ठीक है, उससे ऊपर तो वैसे भी नहीं मिलती, ठीक है। देखो अपन कहाँ रुके हुए हैं भाई, गोंदिया जंक्शन है और अपन जंक्शन के बाहर खड़े हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, वरना ऐसा लग रहा था किस जंगल में खड़ा कर दिए। ऐसा नहीं है, बस जंक्शन के बाहर रुकी गई है ट्रेन इसीलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो भाई पूजन बारिश हो रही है जो हम 1-2 घंटे में पहुंचने वाले थे, अब पता नहीं कितने बजे पहुंचने वाले, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है भाई। अरे यहाँ बहुत तेज है, अच्छा लग रहा है। अरे 2-4 ही बार देखा मैं चोल से, सर 2-4 बार ही देखा मैंने ट्रेन में बारिश, ठीक है।
आज काफ़ी समय के बाद देखने को मिल रही है, अच्छा भी लग रहा है। इतनी बारिश में भी हमारी ट्रेन चल पड़ी है, यानी गजब ड्राइवर है हमारे पास। चलो ओ भाई आ गया, सो हम लोग शायद टाइम पर पहुँच जाए, अच्छी बात है अगर टाइम पर पहुँच जाते तो मज़ा आएगा। ठीक है, यादगार जर्नी रहने वाली है। IRCTC की इस चाय को, इस छोटी सी चाय को हमारा बड़ा सा थैंक यू। और अभी हम नागपुर जंक्शन उतरने के लिए रेडी है भाई, लास्ट स्टेशन है, इसके बाद अपन सीधे नागपुर में मिलेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। बीच में ही लटका दिए इसने। तो यादव जी बाय बाय बाय। सो भाई मैं पहली बार इस स्टेशन में होता हूँ और ये स्टेशन मेरे घर से जस्ट 2 किलोमीटर, 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। अब पहली बार उतर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो देखता हूँ, अच्छा लग रहा है इसे। और पहली बार आया इस स्टेशन में मैं, सारी ट्रेन का सफर खत्म हुआ, अब जस्ट घर जाने का है और बस घर का होना है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, ये तो पूरा खाली है यार। लेकिन एक बात है कि ये यहाँ पर नागपुर का जो भी यातायात व्यापार का सामान है सिर्फ वही आता, इसलिए ये स्टेशन सिर्फ व्यापारियों के लिए और मालगाड़ी जो उतरती है वही गाड़ियाँ आती, पैसेंजर गाड़ी नहीं आती यहाँ पर नॉर्मली, इसलिए समझे। चलो आ जाओ। सो भाई फाइनली अब मैं अपने घर में हूँ, ट्रेन से सॉरी प्लेन से सफ़र करने वालों को जेट लैग होता है और हमने ट्रेन से सफ़र किया इसलिए हमें ट्रेन लैग हो गया है कि नहीं, ऐसे कोई कुछ से क्या। मुझे अभी घर आने के बाद पूरी ट्रेन हिलती हुई नज़र आ रही, जहाँ पर बैठ अगर थोड़ी देर बैठता हूँ ऐसा फील होता है। सो फाइनल डेस्टिनेशन, अभी हम अपने घर में हैं, दुनिया घूम लो चाहे पहुँचना अपने घर को ही है ना, ऐसे ही है। ठीक है, सो भाई आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ठीक है, बाय।